look at the variation of this. If you look at guys, the ethanoic acid, okay, now this is a weak electrolyte, यानी कि एक ग्राफ बना है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, okay, और दूसरा ग्राफ बना है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट इज ए KCl. KCl का देखोगे, KCl का इफ यू लुक एट इट, इट इज what? इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एवरीवन इज फाइन विद दिस ना, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग बना है ग्राफ. ओके, दो मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में मुश्किल हो रहा है. गो ऑफ. या नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, ग्राफ में अगर आप देखोगे बेटा, तो अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन का पावर है, ये देखना, सेम कॉन्सेंट्रेशन का पावर है सी टू द पावर ऑफ हाफ, मतलब इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है. तो इफ यू लुक एट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हुज मोलर कंडक्टिविटी इज मोर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन? देखना ग्राफ. एग्जैक्टली, एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन सी टू द पावर ऑफ हाफ, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इज वीकर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, अब इस ग्राफ में एक और चीज समझने वाला चीज होता है बेटा, जब ये इधर जा रहा है, ओके, एक्स एक्सिस में द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, और जब इधर जा रहा है ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग का मतलब डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग, डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग, हम और पानी डाल रहे हैं. तो अब पहला वाला ग्राफ देखना, ये हमारा पहला वाला ग्राफ है. माय क्वेश्चन इज व्हाई इज लैम्डा एम ऑफ KCl, ओके, इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन? अगर आप देखोगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो हमारा कंडक्टिविटी कम होना चाहिए, लेकिन यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? एनीवन? इफ यू लुक एट KCl, KCl में देखोगे बेटा दो जगह पे बना रहा है, ठीक है, एक ये पॉइंट भी बना रहा है. अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू, द लैम्डा एम एट पॉइंट नंबर टू इज ग्रेटर देन लैम्डा एम एट पॉइंट नंबर वन. व्हाई? जबकि कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है. अब इसमें इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में एक चीज हमने पढ़ा था कि व्हेन वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इंक्रीजेस. इफ द मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है बेटा. अब ये KCl वाले ही ग्राफ को देखना, अगर मैं KCl वाले ग्राफ को इंक्रीज कर दूं तो इट कट्स द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है यहां पे, जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है उसे कहते हैं लैम्डा नॉट एम, एंड लैम्डा नॉट एम इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इट इज नोन एज व्हाट? ठीक है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दिया, लेकिन क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? विल द लाइन दैट आई मार्क्ड विद येलो, विल इट टच द वाई एक्सेस? नो. सो वी कैन नॉट फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ग्राफ. ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही रहना, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही रहना. यहां पे आपका मोलर कंडक्टिविटी कम है, लेकिन यहां पे आते ही मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गया. ऐसा कैसे? सो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन? जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो आपका सडनली कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? इसके लिए 11th का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन. देयर इज व्हाट? ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब जैसे नॉर्मल कंडीशंस पे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को लें, दैट इज आवर CH3COOH को लें, तो इट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. आयन्स बनेंगे, आयन्स फिर से ज्वाइन बैक करके आपका CH3COOH बन जाएगा. लेकिन जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते चले जाओगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. अब मुझे ये बताओ, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में किस में आयन्स ज्यादा होगा? आयन्स का क्वांटिटी किस में ज्यादा होगा? एग्जैक्टली, सेकेंड केस में. ठीक है, सेकेंड केस में आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा. और आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, तो अब ये जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि यहां से रीजनिंग क्वेश्चन आता है. एक बार बोर्ड्स में आपको ग्राफ ही बना के क्वेश्चन पूछा गया था. तो जल्दी से, अगर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर हम पर लीटर पे बात करें, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. ओके, मैं यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिख रहा हूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने दो चीजें देखी हैं. एक तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा कि जब हमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, हमने क्या डिक्रीज किया? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, तो हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. यहां पे वी आर टेकिंग इट एज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? अगर वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट छोड़ दोगे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, या लो कॉन्सेंट्रेशन पे नंबर ऑफ आयन्स आर सेम, क्योंकि वॉल्यूम हम देख नहीं रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएंगे? तो इस केस में वी विल लुक एट मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. सो व्हेन मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस.
लेकिन केस टू जो हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए. अब दिस इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम. दिस इज व्हाट? डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, दैट इज मोल्स पर लीटर. तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है मोल्स ऑफ आयंस इज इंक्रीजिंग पर लीटर. अब अगर मोल्स ऑफ आयंस पर लीटर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा. और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा मोल्स ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है पर लीटर. और अगर मोल्स डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा? आया ये समझ में? ओके. तो अब जल्दी से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये जल्दी से पहले ये वाला टॉपिक पे उसको कर लो कॉपी, फिर नीचे वाला जल्दी से. नाउ लेट्स लुक एट वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, हाउ डज इट चेंज इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? ये कैसे हो जाता है? अच्छा, स्क्रोल ऊपर था ना. ओके, नाउ इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द ग्राफ. ओके, व्हाट डिड वी सी इन द ग्राफ? In the graph, we saw that at high concentration, the conductivity is low, and suddenly when it comes here, the conductivity shoots up. Okay, so once more, let's take a look at it. Let's take the example of CH3COOH. They do not undergo complete dissociation. A weak electrolyte undergoes what? A weak electrolyte undergoes incomplete dissociation. अब incomplete dissociation होगा तो ions क्या होंगे? कम. अगर ions कम होंगे तो molar conductivity क्या हो जाएगा? कम. ठीक है, लेकिन on dilution हमारा यही रिएक्शन क्या हो जाता है? इट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन. सो व्हेन इट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन तो हमारे पास आयंस क्या हो जाएगा? आयंस विल इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, सो द आयंस आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड इफ द आयंस आर गोइंग टू इंक्रीज the molar conductivity is going to increase. Okay, तो ये तो already लिख चुके हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अब आते हैं हमारे weak electrolyte में. ये alpha क्या है? Does anybody remember? Solution में भी किया था, class 11th में भी किया था. What does alpha mean? Hey, शाबाश. Two people remember it. Okay, degree of dissociation. Shabash. What does lambda m mean? Molar conductivity. What does lambda not m mean? Limiting and upar wala se molar conductivity. What does c stand for? Exactly, concentration, that is molarity. And what does Ka stand for? It is a constant. Out here it will be dissociation constant. ठीक है, अब guys, I am again taking your what we did in solution. क्योंकि again 12th में ये चीज नहीं दिया है, लेकिन solution के chapter में भी ये topic है और आपका इस चैप्टर में भी है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से. Where does this formula come from? 11th में आप लोगों ने क्या हुआ है तो या तो रट्टा मार लो या क्या कर लो, समझ के कर लो.
मान लो ए बी है, ए बी इज डिसोसिएटिंग टू गिव अस ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, तो मुझे ये बताओ अगर इनिशियल वैल्यू मेरा ये सी होगा तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव क्या होगा? जीरो जीरो. अगर मेरा इक्विलिब्रियम पे अगर ये सी अल्फा बनेगा तो ए पॉजिटिव कितना बनेगा? सी अल्फा. और ए बी कितना कम होगा? सी अल्फा. रेशियो इज 1:1:1. तो आपका एट द एंड द फाइनल वैल्यू ये कम हो रहा है सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा. तो जब हमने के निकालते थे तो क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी अल्फा इंटू सी अल्फा, रिएक्टेंट सी 1 माइनस अल्फा. सी सी कट गया, क्या आ गया आंसर? सी अल्फा स्क्वायर एंड 1 माइनस अल्फा. पिछले 10 सालों में इन दोनों पे भी न्यूमेरिकल आ चुका है एक बार, ठीक है? तो इसको जल्दी से लिख ले, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एज. द नेक्स्ट टॉपिक इज calculate limiting molar conductivity for CaCl2 and MgSO4. अब इसमें बेटा कोलराशेस लॉ आना चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे कोलराशेस लॉ सिखा देता हूँ. कोलराशेस लॉ RaUSCH कहते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl, तो अगर मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है तो दैट विल बी नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड. अब यहाँ पे NaCl जब ब्रेक होगा तो इट गिव्स अस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na पॉजिटिव इज 1, नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cl नेगेटिव इज 1. अब इस क्वेश्चन में कहा है, एक मैं करके बताता हूं, दूसरा आप लोग करोगे. CaCl2 गिव्स अस Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव. अब अगर मुझे इसका लैम्डा नॉट एम ढूंढना है तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव इज 1 मल्टीप्लाइड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव दैट इज 119 प्लस नंबर ऑफ आयंस इज 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl इज 76.3. तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 15, so 9 10 11, 5 1 6 1 7, 271.6. ठीक है, सो इजी है. yes. अब आप लोग जल्दी से MgSO4 का निकालो. सो द आंसर वुड बी 266. Mg2 पॉजिटिव का 106, नंबर ऑफ आयंस इज 1, सल्फेट का 160, नंबर ऑफ आयंस इज 1, सिर्फ याद ही करना था 266 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे भी एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब दिस इज कोलराशेस लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे निकालते हैं? वी कैन नॉट डू इट बाय दिस मेथड. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ढूंढने के लिए वी टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे HCAC इज नथिंग बट एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज
CH3COOH, ओके, और इसका हमें पता है कि बनेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अभी अभी आपने देखा था कि आप कैलकुलेशन तो इसमें आप वो एक्सपेरिमेंट से तो निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन है NaCl। NaCl का मतलब क्या है? NaCl का मतलब है इट इज गोइंग टू गिव अस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसका वैल्यू दिया है 126.4। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में चार बार आ चुका है, तो ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट है HCl। HCl डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसका आंसर है 425.9। लास्ट वाला है सोडियम एसीटेट, CH3COONa। ये ब्रेक होगा तो देगा CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, इसका आंसर दिया है 91.0। अब ध्यान से देखें, हमें आंसर में क्या चाहिए, ये और ये। क्या नहीं चाहिए? जो बाकी NaCl, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और इसके आंसर को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa प्लस लिमिटिंग सॉरी माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब आप खुद देखना, आंसर तो इतने में निकल गया, आंसर तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। HCl का है 425.9, सोडियम इथेनॉएट का है 91 माइनस 126.4, ये करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आयंस लिखते हैं, देखते जाना, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब माइनस है, माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, जरा देखना H पॉजिटिव किसी से कटेगा नहीं, Cl नेगेटिव कट रहा है, Na पॉजिटिव कट रहा है, एंड मेरे शेयरों बचा क्या, जो चाहिए। आया समझ में ये? तो ये बेटा जल्दी से ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन 3-4 बार बोर्ड्स में आ चुका है। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन कितना फनी है, ग्राफ में आपने देखा था कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो कौन बताएगा आंसर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन, If the concentration decreases, what is happening to number of ions? Decreases. If the number of ions decreases, what will happen to the conductivity? It will decrease. Dekha, aa gaya samajh mein? Reasoning question? Yes. Ab ye wala question I want you all to do. ये आप लोग खुद बना के करो, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। अच्छा, इसमें डिग्री विग्री सब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.025 मोल्स पर लीटर,
किस चीज का है? मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला कौन बताया? व्हाट इज द फॉर्मूला? कम ऑन, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ठीक है? एंड इसका मोलर कंडक्टिविटी इज 46.1 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. हमें ढूंढना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है? तो एंड हमें दिया है, क्या क्या दिया है? एक ये भी दिया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच प्लस इज इतना एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच सी ओ माइनस इज इतना, ये दिया है. तो सबसे पहला काम हमें करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच सी ओ ओ एच. कैसे निकालेंगे सांभवी? हाई फाइव, वेरी गुड. दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा. जैसे अभी अभी कहा था कि अगर हम आयंस दिए हैं तो आयंस के कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा. उसके बाद से अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्फा का फॉर्मूला किया था. माय क्वेश्चन, शाबाश. अब आपके पास लैम्डा एम बी है, लैम्डा नॉट एम बी है, आ जाएगा आंसर. उसके बाद से के हमने क्या किया था? और इसमें हमेशा याद रखना, वन माइनस अल्फा कैन बी रिटेन एज वन व्हेन यस कंपेयर टू वन इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. 3 मिनट दे रहा हूं आंसर निकालने के लिए. K का आंसर, K का, ओके लेट्स सी. पहले ये चेक करो बेटा मेरा आंसर, ये मेरा आंसर सही है? एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके अब मोलर कंडक्टिविटी 46.1 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 404.2 है, तो इसका आंसर कितना आया? 0.114, यही है. दो लोग आंसर कर रहे हैं, प्रीतिका का भी सेम आया मेरे ख्याल से, सांभवी का भी सेम है. प्रियांशी बेटा सेम आया बेटा? यस. चैतन्य, रोहित, यस सर. ओके अब इसमें हम क्या कर देंगे, अल्फा का वैल्यू इज कंपैरेटिवली प्रिटी लो, ठीक है, 0.1 है. ओके तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सी हमें दिया है 0.025, फिर अल्फा स्क्वायर 0.114 का होल स्क्वायर, तो नीचे हम 1 ही लेके करेंगे, तो के का आंसर कितना आया? 3.2. एक बार फिर से 3.2 आगे 3.67 आ रहा है. एक बार दोनों चेक करो कहां पे गड़बड़ जा रहा है. क्योंकि सबका सेम आना चाहिए. मैं भी कर रहा हूं साइड में, आई एम ऑल्सो डूइंग इट एट द साइड. 114 times 114, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 3.2 into 10 raised to the power of minus 4, right? Okay, shabash. So, you'll see
this type of question also comes in the boards. This type of questions is also there. Okay, अब Faraday's law है, ठीक है? Faraday's law, अब ये तो आपका text है, लेकिन text generally आता नहीं है. समझते हैं first law और second law क्या है? अच्छा ये पिक्चर है ना, इसीलिए. ओके ना, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपको मास डिपॉजिटेड ढूंढना है तो मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चार्ज. नाउ आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स का नॉलेज चार्ज इज आई टी. क्यू हमारा हो गया चार्ज विच इज गिवन इन कूलम्स. आई हो गया हमारा करेंट विच इज इन एम्पियर. टी हो गया टाइम विच विल बी इन सेकेंड्स. अब ध्यान से, ये फॉर्मूला बुक में नहीं गिवन है. एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी, वे जेड is the chemical equivalence. Z is what? Chemical equivalence. Book में सिर्फ यहां तक कहा है, formula नहीं दिया है. तो जिसके पास भी book है आप खोल के verify कर सकते हैं. Now what is Z? Z is the molar mass of the metal divided by number of electrons into Faraday's constant into I into T. ठीक है, तो इससे हमारा कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो हमें पता चल जाता है. क्या ये क्लियर है? तो इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर सेकेंड लॉ बताता हूं. आए सेकेंड लॉ पे. अब सेकेंड लॉ पे कहता है कि अगर एक मेटल का मास डिपॉजिटेड M1 है, Z1, I, T, दूसरे का मास M2 है, Z2, I, T. अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि Q इज कांस्टेंट. Q इज कांस्टेंट का मतलब I multiplied by T is constant. It is the same. It is what? Constant. Constant का मतलब क्या हो जाएगा? It is same. तो अगर हम इन दोनों को divide कर दें तो IT कट जाएगा. तो mass deposited in one cell over mass deposited in another cell is equal to chemical equivalence of the first metal divided by chemical equivalence of the second metal. आया ये चीज समझ में? अब उसी में हम क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखना फॉर्मूला क्या बन जाएगा. केमिकल इक्विवेलेंस रिलेटिव मास और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फर्स्ट मेटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट मेटल इनटू 96500 डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 96500 ये हो जाएगा एंड द मास ऑफ द सेकेंड. सो 96500 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ फर्स्ट मेटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट मेटल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द विच वन सेकेंड. तो दिस इज जो रेड से लिखा है वो सेकेंड लॉ है. अगेन प्लीज इसे लिख लेना, एनसीईआरटी में छानना, इसका फॉर्मूला भी नहीं दिया है. और न्यूमेरिकल एक इसका है जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे लंबा न्यूमेरिकल है. सो न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास. एंड एक चीज ढूंढने के लिए कहा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि एंड वाला जो बैटरीज है कि नहीं, ठीक है? तो बैटरीज का मुझे बता देना, वो भी कर देंगे. तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई.
उसके बाद से बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे, तो जिसका भी फर्स्ट यूटी या फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है उन सबके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने मुझे सिलेबस बताया था दैट इज ओवर, ठीक है, तो क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो आज के लिए यहीं पे, कृतिका नीड्स टू रन, बाय बाय, सी ऑल.